हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सी है और इनकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल रहती हैं। तो सबसे पहले इस गेट एंड टेक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने अभी OBS में फाइन कैम को जोड़ के बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है एक्चुअली, क्योंकि मेरा यहाँ रूम में इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। तो आप लोग बता देना कि कैसा क्या है वीडियो, तो कैसा लग रहा है, कुछ अजीब तो नहीं है इसमें। तो इसके लिए कैट के प्रीवियस ईयर के लिए एप्टीट्यूड ओवरफ्लो एक वेबसाइट है जो गेट ओवरफ्लो की ही वेबसाइट है, पर इसमें एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जो आप लोगों ने अगर कभी दिया हो, नीलेट का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर साइंस के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, साइंटिस्ट के लिए होता है, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप लोग ब्लॉग में जाएंगे ना, ब्लॉग में तो यहाँ पे आपको कैट के लिए एक ब्लॉग है, जैसे GRE वगैरह सब के लिए हैं चीज़ें। ओके, कैट के लिए वन सेकेंड, फीचर पोस्ट में मैं आपको देख लेता हूँ, मोस्ट व्यूज में देख लेता हूँ। ओके, प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स। ओके, सो प्रीवियस ईयर की कैट के पेपर्स ऑलमोस्ट 1994 से ऐड हो रखे हैं, 1991 से स्टार्ट हुआ था शायद कैट का एग्ज़ाम, और 2021 तक के सारे पेपर हैं। अभी 2022 में जो 27 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो मैं देखता हूँ एक्चुअली एग्जैक्टली मैं कैट एग्ज़ाम डेट देख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं थी कैट एग्ज़ाम डेट 2022, हाँ 27 नवंबर को है। तो कैट का एग्ज़ाम में तीन चीज़ें ही आती हैं, एक तो लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, वो एक सेक्शन है, और एक वर्बल एप्टीट्यूड रहता है, इंग्लिश का पूरा पोर्शन रहता है, और एक रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मतलब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी भी मतलब आज 17 है और 27 को 10 दिन भी था, प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना अच्छे से सारे, हमने खुद ही आंसर, मैंने खुद इसमें आंसर कर रखे हैं बहुत सारे। तो जैसे मैं 2021 का पेपर आपको दिखाऊं अगर खोल के, तो ये पेपर अवेलेबल है वेबसाइट, सॉरी ऑफिशियल पेपर है, कैट अथॉरिटी ने किया था, और जो एप्टीट्यूड ओवरफ्लो पे लिंक्स हैं वो यहाँ से आपको क्लिक करोगे वो लिंक्स पे, तो यहाँ पे चले जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं 2021 का सेट वन है, 12 अवेलेबिलिटी का है पूरा, तो सारे क्वेश्चन बबलेबिलिटी के एक्चुअली अभी आंसर एड नहीं हुए थे, क्योंकि बहुत सारा टीम उतनी बड़ी है नहीं, और रीडिंग कॉम्प्रेशन वगैरह करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, कैट का थोड़ा अच्छा लेवल रहता है तो, पर जितना मुझे मतलब मेरा थोड़ा सा इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं, तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग का काफ़ी चीज ट्राई किया है सारे, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो एप्टीट्यूड का है, आराम से आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है इसका आंसर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट कर रखा, कितना बढ़िया तरीके से मतलब लिख रखा है आंसर, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तो ये ब्लॉग का मैं लिंक आपको दे दूंगा, और इससे सारे पेपर आप लोग एक्सेस करना है, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, आप इसमें आंसर खुद भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे अगर आपको आंसर ऐड करना है तो आंसर पर क्लिक करोगे, और कमेंट करना तो कमेंट पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मिल जाएंगे, अगर इसमें कुछ आपको डाउट लगता है आंसर में तो आप आंसर के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ आंसर के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये आपका अपना ही चैनल है, अभी तक ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो चैनल सब्सक्राइब करें आप लोग। और मैं अभी ऑफिस का काम करके थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो एक्चुअली काफ़ी थकान सी थी, पर वीडियो काफ़ी दिनों से मैं बना नहीं पा रहा था, तो पर कैट का एग्ज़ाम डेट भी निकली जा रही है, तो कैट का आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना, और जितने भी इस कैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सब लोगों के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड बस फोड़ के आना, अच्छे से करके आना, और जो चीज़ स्ट्रांग है उसको बहुत अच्छे से करना। हाँ, मतलब पेपर बहुत अच्छा आता है, शानदार आता है, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं खुद कह सकता हूँ कि कुछ इजी टू मतलब मॉडरेट होते हैं, कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं, और तीन चार क्वेश्चन मतलब मैक्स
एटॉमिक्स 4-5 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जो डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेंदी होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देना। और रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी रहता है, उसको भी ध्यान देना। और इंग्लिश को मैंने उतना एनालाइज अभी किया नहीं है, तो इंग्लिश का जल्दी से जल्दी हम लोग एप्टीट्यूड ओवरव्यू पे आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो जो अपकमिंग मतलब 2023 के जो कैट के एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए बहुत सारा अच्छा मटेरियल रेडी हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको समझना अच्छे से कि उसमें आता क्या है, उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसा पैटर्न रहता है, तो प्रीवियस ईयर तो करना ही करना, प्रीवियस ईयर को देखो आप, उससे एनालाइज करो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना आप लोग, थोड़ा सा शतक लगवाओ बस।